दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद, दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के समक्ष कुछ कन्फ्यूजन्स के विषय बने हुए हैं बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम बीएड बनाम बीटीसी केस की बात करें तो मामला लगातार आप सभी का ट्रेंडिंग में बना हुआ है। देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बिग अपडेट्स, बिल्कुल सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आ रही है, बीएड के लिए खतरे की घंटी। जैसा कि अभी तक आपके पास जितने भी वीडियोस प्रोवाइड हो रहे थे उसमें जो है बीएड के हितों पर बात किया जा रहा था, लेकिन आज की अपडेट्स से आप सभी को कहीं ना कहीं बीएड के लिए खतरे की घंटी नज़र आ रही है। कैसे है, अब यहाँ देख पा रहे हैं बीटीसी डीएलएड के लिए खुशखबरी। भैया बीटीसी डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास कौन सी खुशखबरी है, इस वीडियो में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके नीचे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है बिहार से भी बीएड होगा बाहर। जैसा कि आप सभी को पता है लगभग 1,70,000 के आसपास में बिहार में शिक्षक भर्ती आई थी, हालांकि इसमें पीआरटी की भी कुछ थी और कुछ टीजीटी पीजीटी बहुत सारी भर्तियां बिहार में आई हुई थी। वहाँ पर जो है पीआरटी में भी बिहार में जो है बीएड अभ्यर्थियों को लागू किया गया था, लेकिन आज की अपडेट्स जो आपके पास निकल कर आ रही उसमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि बिहार से भी बीएड को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। क्या है मामला, आगे हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। और नीचे देख पा रहे हैं सरकार के पीछे जो फैसले के पीछे छिपा गहरा राज, रुझान शुरू तो फाइनली, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में नज़र आ रहा, देख पा रहे हैं बीएड के लिए खतरे की घंटे, हम कुछ अपडेट्स आपके बीच में दिखाना चाहेंगे। ये देख पा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का मामला है। जैसा कि यहाँ आपके बीच में नज़र आ रहा, देवेश शर्मा जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है, बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज पीआरटी से बीएड बाहर करने के लिए डीएलएड वालों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर की है, जिसमें एनसीटीई और भारत सरकार पार्टी दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। बिल्कुल ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, डिटेल्स आपके बीच में अभी है और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगला आप देख पा रहे हैं और भी जो राजस्थान रीट लेबल इत्यादि का मामला आपके बीच में चल रहा है, उसकी जो सुनवाई लगी है वह 11 अगस्त को लगी है। यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं, हालांकि यहाँ जो है मैं आपको जो है फंडामेंटल राइट की गारंटी देता हूँ, भारतीय संविधान चीज़ें यहाँ देख पा रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट सुरक्षित है। एनसीटीई गजट 28 जून 2028 बचते हुए सभी राज्यों में बीएडधारियों को नियुक्ति मिलेगी, पंजाब राजस्थान रेट 2021। और यहाँ देखिए कुछ और भी चीज़ें किसी ने डाल रखा है कि कहा जा रहा है इसे कहते हैं घबराहट। अब इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यह ऐसे कहें कह नहीं सकते कि नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, इसलिए अब उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। चैलेंज गजट तो बचा लें, छाती ठोंक कर बोलते हैं बीएचटीसी विन, यानी कहा जाए इस अपडेट से किसी भाई का कमेंट है ये, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आप खुद समझ सकते हैं। यहां पर इनके द्वारा जो चीज़ें कही जा रही हैं वह जो है बीएचटीसी यानी बीटीसी डीएलएड वालों की विजय की बातें कही जा रही हैं, इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं। अब ये जो आपके बीच में बिहार शिक्षक भर्ती का मामला है, यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं, केस आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है और ऊपर भगवान कृष्णा देख पा रहे हैं और आगे डायरी नंबर दिया जा रहा है, केस नंबर आपका लगा हुआ है। प्रेजेंट लिस्टेड ऑन, देखिए 28 अगस्त की डेट में आपकी सुनवाई रखी गई है और यहाँ जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस जो है बेला एम त्रिवेदी की देख रेख में आपके इस मामले की सुनवाई 28 जो है अगस्त को होनी है। यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं, पेंडिंग लिखा गया है, मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस और एडमिशन सिविल सर्विसेज, यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं। और यहाँ लास्ट में कहा जा रहा है कि टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली, यहाँ देख पा रहे हैं 28/8/2023 कंप्यूटर जनरेटेड, यह नोटिस आपके बीच में दिया जा रहा है। सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं इस अपडेट से बिहार में अभी तक बीएड एलिजिबल था, लेकिन बीटीसी वालों ने वहाँ पर भी रीट डाल दी है कि बीएड को अब जल्द से जल्द बाहर किया जाए। सेम यही मामला
मामला बहुत जल्द आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। लगभग 26,000 पदों पर जो है भर्ती आई हुई है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर भी जो बीएड है उसमें एलिजिबल है। तो सेम कंडीशंस वहाँ पर भी आपको आए दिन देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी रीट दायर कर दी जाएगी कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। तो इस तरह से अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं बीएड के लिए यहाँ जो चीज़ें लिखी है कतरे की घंटी, वह सत्य होती हुई नजर आएंगे। अभी तक मामला आपका उल्टा चल रहा था कि जो बीएड है वो हर जगह एलिजिबल हो रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बीएड है वो प्राथमिक में काबिज रहेगा। लेकिन अब आज की अपडेट्स कहीं ना कहीं बीएड को दुखित करने वाली है कि बिहार में भी ये चीज़ें होना शुरू हो गया है। बिहार से भी आशा की जा रही कि बहुत जल्द से जल्द बीएड को प्राथमिक से बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। लेकिन हम इंतज़ार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, या फैसला जिसके पक्ष में जाएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ फैसले के पीछे छिपा गहरा राज, ये चीज़ें 100% सत्य है कि ये फैसले के पीछे बिल्कुल गहरा राज है। जैसा कि आपके जो एक केस की सुनवाई 11 अगस्त को लगी हुई है, 11 अगस्त को देखना है क्या कुछ कैसे होता है, और यहाँ चीज़ें देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ और अस्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। हालांकि और यहाँ फैसले के पीछे क्या है गहरा राज, अगर इस मामले पर हम चर्चा करें तो जैसा कि आप सभी को पता है फैसले के पीछे राज ये है कि 2024 के चुनाव को ये टारगेट कर रहे हैं। चूंकि वोट बैंक का सवाल है, अगर ये बीएड को बाहर करते हैं तो वोट बैंक फटाक से खिसकेगा, और डीएलएड को ये जो है बीएड को जो है अंदर करते हैं तो जो है बीटीसी वाले या डीएलएड वाले भी खिसक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी यह मामला और भी आगे पेंडिंग चल सकता है। लेकिन आप कह रहे थे कि 11 तारीख को सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो यह आने वाला वक्त तय करेगा कि 11 तारीख को सुनवाई होती है या नहीं होती है। वैसे 80% चांसेस है कि सुनवाई हो जाएगी, 20% चांसेस कम है। अब चांसेस क्यों कम है, हालांकि इस पर हम आपको चर्चा नहीं करेंगे। आगे की वीडियो के लिए आप साथ बने रहिएगा, जैसा भी होगा जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।